Yes, a very good morning to all of you. So as we know that only 4 days are with us before the exams. So we have finished the concepts of all the chapter, right? Thoroughly we have done the concepts of the chapter. 6 chapters are there in your syllabus this time. And now we are going to start with the MCQs of the revision of the MCQs of the chapter. MCQ of each chapter we will do. It doesn't mean ki 15 ke ilawa aur duniya mein is chapter ke koi MCQ nahi hai. I'm trying that in 15 MCQ I will try to cover all the concepts, right? So you can do the maximum practice by practicing some sample paper also. So in one day we have to finish 2 chapters. So today I will take real number and 1 small chapter probability. Right, tomorrow also we'll do it for 2 chapters and then in 2 days we will do 1 chapter each. Jo chapter thode bade honge unke liye ek din rakhne, right? And agar hum nahi kar pate, hamare paas recess bhi hai iske baad, agar hum nahi kar pate dono chapter ke MCQs aaj aur our Zoom meeting khatam ho jati hai, so you have to rejoin. Otherwise I will try my level best ki hum in the prescribed time we do it, right? चलिए आई एम गोइंग टू शेयर स्क्रीन एंड यू कैन सी द क्वेश्चन फ्रॉम देयर आउट. यस आप लोग अभी सुनना ठीक है, अकॉर्डिंगली साथ साथ फटाफट से स्टेटमेंट नोट कर लें. द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 70 125 डिवाइड्स 70 125 एंड लीव्स रिमाइंडर 5 and 8 respectively. The options are 30, 65. अभी बताती हूँ इसका, बच्चे इसको मेथड से करना शुरू कर देते हैं. 87 and D 100. अब देखो वैसे तो हमें पता है कि अगर हम सब्जेक्टिव पेपर कर रहे होते डिवाइड्स मीन्स वी हैव टू फाइंड द HCF फाइंड करना है हमें. और HCF फाइंड करने से पहले इसमें से 5 और इसमें से 8 क्या कर देते होते हैं, माइनस. अब आप इसको चेक करने के लिए रैंडमली भी देख सकते हो. देखो कौन सा ऐसा नंबर है जिसको हम 70 से डिवाइड 13 से डिवाइड करें, जिसके साथ हम 70 को अगर डिविडेंड बना के डिवाइड करें तो वो 5 रिमाइंडर छोड़े, और 125 के साथ डिविडेंड बना के छोड़े तो 8 रिमाइंडर. इंस्टेड ऑफ सब्ट्रैक्टिंग एंड फाइंडिंग HCF आप सबके साथ इसको डिवाइड करना शुरू कर दो. 70 के साथ 13 को डिवाइड करोगे यू विल गेट 5 एज रिमाइंडर, ठीक है, और 125 के साथ 13 को डिवाइड करोगे 8 एज रिमाइंडर. किसी और को करके देखो, ये नहीं बनेगा क्योंकि इससे रिमाइंडर दूसरे में भी 70 को जब 65 से डिवाइड करेंगे 5 रिमाइंडर आ रहा है, और इसके साथ करेंगे तो 8 नहीं आएगा, ठीक है. सो यू कैन डू इट बाय हिट एंड ट्रायल एंड योर ऑप्शन विल बी 30, ठीक है. नेक्स्ट इज इफ ए इज इक्वल टू x³y² एंड बी इज इक्वल टू xy³ वेयर xy आर को प्राइम नंबर्स और प्राइम नंबर्स, देन HCF ऑफ AB इज xy² x³y³ dx² y² हाँ जी कीर्ति, विच ऑप्शन इज करेक्ट प्लीज. A is this and this is B is this, where X and Y are prime numbers. If I'm not asking, please not tell me the answer. Whenever your turn will come, you will tell. Hurry up, bolo. XY² HCF का मतलब क्या होता है? कैसे निकालते हैं? जब हम हमने prime factorization से HCF निकालना सीखा था, कौन से prime factors लेते हैं हम HCF में? Least power लेते हैं किसकी? हर prime factor की. X की लीस्ट पावर एंड कॉमन प्राइम फैक्टर की. X की लीस्ट पावर यहाँ पे X1 है तो 1 हो गया, Y की लीस्ट पावर 2 है तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? बी ऑप्शन इज करेक्ट, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, द लीस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10.
inclusive 1 and 10. The least number from 1 to 0, both 1 and 10 are inclusive, is, let us see the options. 10, B is 100, C is 504, and D is 5420. 5420, because जब हम least number की बात करते हैं जो कि divisible हो सारे number से, that is the LCM. अगर आपको ऐसे नहीं पता चल रहा किसी को option, LCM हमें पता है सबसे बड़ा number होता है दोनों सब में से बड़ा, तब आपको सबकी prime factorization करनी पड़ेगी, 3 की, 4 की, 2 square, 5, 6, 2 into 3, 7, 7 into 1, 8, 2 cube, 9 का 3 square and 10 का 5 into 2. ठीक है कीर्ति, हमने सबकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली. प्लीज जिनको नहीं पता उनको मुझे बताने दो, आप लोग ज्यादा इंटेलिजेंट हो, डिबेट करो. अब हमें इनका एलसीएम फाइंड करना है ना, तो एलसीएम में क्या होता है, एलसीएम में हाईएस्ट वैल्यू लेंगे कॉमन फैक्टर की या सारे फैक्टर्स की, कॉमन की, सबकी. अब टू, टू की बिगर पावर कितनी है, 2 क्यूब, एंड 3, 3 की स्क्वायर 4 है ही नहीं, 5, 5 का 5, एंड देन 87, मल्टीप्लाई करो यू विल गेट 5420. ठीक है, लीस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 टू 10, दैट इज गिवन बाय, that is given by LCM of all these numbers. And to find LCM, we know what is the rule to find LCM. To find LCM, LCM सारे numbers में से बड़ा होता है. LCM को हमें बड़े से बड़ा बनाना है. और जब हमें किसी number को बड़े से बड़ा बनाना है, we will consider every prime factor with its highest power or least power. Highest power. We will consider the every prime factor with the highest power. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. द मासेस ऑफ गोल्ड, क्वेश्चन नंबर 4, मासेस ऑफ गोल्ड 5420. मुझे भी लग रहा था कि कोई ऑप्शन 2520 होना चाहिए, है ना. थर्ड क्वेश्चन की जो लास्ट ऑप्शन है ना, मुझे लगता है गलती से 5420 लिखा गया. It will be 2520. ठीक है, इसको चेंज कर लेना. It is 2520 and D option is the correct. Masses of gold weighing 331 grams and 3054 grams. ये दो different type of gold items के masses हैं. Are to be made into medals of the same size. इनसे हमें मेडल्स बनाने हैं. व्हाट इज द वेट ऑफ लार्जेस्ट पॉसिबल मेडल, लार्जेस्ट पॉसिबल मेडल. हाँ जी, लार्जेस्ट पॉसिबल, लार्जेस्ट जहां पे वर्ड लिखा होगा. हाँ जी कीर्ति, क्या निकालेंगे वहां पे, हाँ, एलसीएम, एचसीएफ. लार्जेस्ट मींस एचसीएफ. दिस इज 5 ग्राम्स, then 7 grams, बैठो बेटे, 6 grams, and D option is 9 grams. Find the HCF, hurry up. We all know that we will find its HCF because whenever the word largest is there, the question is related with HCF. So you will find HCF here. Find out the HCF. दोनों का HCF कितना आ रहा है? डिवाइड करके देख सकते हो. एक्चुअली डिवाइड करके तो देख सकते हो, कई बार ऐसे भी नंबर्स होते हैं कि मतलब दूसरे नंबर से भी वो डिवाइड हो रहा है ना, तो एक बार चेक कर लेना चाहिए. पर हमें पता है कि हाईएस्ट है, उस हिसाब से देख सकते हैं. तो फाइंड द एचसीएफ, कैसे फाइंड करते हैं एचसीएफ, 3318 को
3054 के साथ, 3054 राइट, दिस इज ऑन वन, दिस इज 264, दिस बिकम्स अ डिविडेंड, अंदर आया हमारे पास 3054, 264, दिस इज 4 एंड दिस इज 4, फिर वन पे जाएगा, दिस इज 150, 264, 150 वंजा, दिस इज 4 एंड 114, दिस इज 150, अगेन गोज ऑन 1, 36, 114, 3 पे जाएगा, 108, दिस इज 6, 36. So what is the HCF? HCF comes out to be 6. So which option is correct? 7th option is correct. C option is correct. That 6 grams will be the weight. Right? Actually, let us see the 5th question. The smallest number which is when divided by 25, 40 and 60 leaves remainder 7 in each case. Leaves remainder 7 in each case. And options are 605. Second option is, बेटे अपनी वीडियोस ऑन करो, मुझे पता चले आप कर रहे हो. दिस इज 907, 809 एंड देन 607. लीव्स रिमेंडर, स्मॉलेस्ट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय दीज लीव्स रिमेंडर 7. वैसे तो आप एक चीज मैं आपको बता दूं, नंबर बड़े हैं, हर एक नंबर के साथ डिवाइड करके देखना कि इसके 7 रिमाइंडर आएगा कि नहीं, थोड़ा सा आपका जो टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है. तो इसको आप कॉन्सेप्ट से करो. क्या होता है स्मॉलेस्ट नंबर का मतलब? स्मॉलेस्ट मतलब नंबर मतलब एलसीएम, राइट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल फाइंड एलसीएम ऑफ 25, 40 एंड 60. मुझे लगता है कि ऑप्शन शायद थोड़ा सा, चलिए एनी हाउ बट हम तो ये चाहते हैं कि जब हम डिवाइड करें एग्जैक्टली डिविजिबल होने की बजाय वो क्या करे, हमें 7 रिमाइंडर दे. तो इसके आगे 7 अगर हम एड कर दें इसमें तो ये बनेगा 607. सो 607 इज द लीस्ट नंबर which is when divisible by this, this and this, will give us the remainder 7. So the option is 607. HCF में क्या होता है? Remainders को पहले minus करके फिर हम HCF निकालना शुरू करते हैं. LCM में पहले LCM निकाल के फिर हम add कर देते हैं क्योंकि हमें least number चाहिए होता है, right? चलिए let us do the next one. फिर निकालते हैं HCF. इसमें पहले LCM में पहले LCM निकाल के फिर उसके बाद. चलिए क्वेश्चन नंबर 6. सिक्स्थ क्वेश्चन इज 5 बेल्स स्ट्राइक एट इंटरवल्स ऑफ 6, 8, 9 एंड 12 सेकेंड. 6, 8, 9 एंड 12 सेकेंड. दिस दे स्ट्राइक साइमल्टेनियसली विद ए क्लॉक एट 12 नून. दोपहर के 12 बजे इकट्ठी रिंग करती है. दे स्ट्राइक टुगेदर एट 12 नून. एट व्हाट टाइम विल दे अगेन स्ट्राइक टुगेदर विद द सेम क्लॉक? सो द ऑप्शंस आर 2 पीएम,
बी इज 5 PM, सी इज 1 PM एंड डी इज 3 PM. सो आई टोल्ड यू दैट वेन एवर द क्वेश्चन इज रिगार्डिंग रिगार्डिंग वेन एवर दे मीट अगेन और लाइक वेन एवर द बेल्स विल रिंग टूगेदर अगेन दैट क्वेश्चन इज रिलेटेड विद एलसीएम. उस क्वेश्चन में हमें एलसीएम निकालना होता है. अब जब आप इन सबका एलसीएम निकालोगे 6, 8, 9 and 12 का, लेट अस सी. तो ये 72 seconds के बाद जो है वो दोबारा रिंग करेगी. 12 नून है तो 72 seconds. हाँ 12 बज गए 12 second है ना. 12 जब आप इसको मिनट्स में चेंज करोगे तो आपने 32 seconds में से 60 seconds को ले लिया, that will become 1 minute. 12, 1 and 12. कितने seconds? 12 seconds. अब ऐसे options में हमने इन तीनों में से किसको लेना है जो इसके approximately मतलब नजदीक हो. क्या क्यों कर देंगे इन टू फाइव? मैं वही बता रही हूँ. देर आर टू मेथड्स. एक मेथड ये है कि हम इन एमसीक्यूज में से आंसर निकालने के लिए हम ये देखें कि कितनी बार ये रिवॉल्व करेगी. तो हमारे पास मतलब मिनिमम नंबर ऑफ टाइम हम रिवॉल्व करेंगे ना, क्योंकि हमारा आंसर जो है जहां पे आ गया हम वही रिवॉल्वमेंट छोड़ देंगे. जैसे 72 seconds है ना, हमने देखना है कि कितने सेकेंड्स के बाद. अगर 72 seconds सही कह रहे हो, अगर हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करें, दिस विल बी 360 seconds. तो ये तो फिर एक मिनट. एक्चुअली क्या है, जस्ट अ मिनट भी, 1 hour इज इक्वल टू 3600 seconds. इतने सेकेंड्स होते हैं ना 1 hour में 3600. तो हम ये देखना चाहेंगे कि 72 जो है वो 3600 seconds का कौन सा मल्टीपल है. ठीक है ना, हम इसको अगर 72 से डिवाइड करें यू विल गेट इट टू बी 50 seconds. नहीं अब मिनट्स हो गया ना, अभी भी नहीं. जस्ट हमें 72 सेकेंड्स को आवर्स में कन्वर्ट करना है एक्चुअली, है ना. अब देखो 72 को हम अगर 5 से मल्टीप्लाई करें तो दिस गिव्स अस 360, है ना. तो अब 360 सेकेंड्स बन रहे हैं. हमें आर के अकॉर्डिंगली चलना है ना, हमें एक आर आगे बढ़ रहे हैं. तो हम इसको किससे और किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 10 से. तो दैट मींस 3600 सेकेंड्स. मतलब कि 3600 सेकेंड्स के बाद ये फिर से दोबारा 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 बीच में 5 बार रिपीट करेंगी, नो डाउट. बट हमारे आंसर के अकॉर्डिंगली वी हैव टू चूज इट 1 PM, क्योंकि क्योंकि फिर 5 से इसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास 360 आ रहा है. ठीक है, आप 4 को करोगे, 3 से करोगे या अगले नंबर से करोगे, हमें मिनिमम टाइम वाला लेना है. ठीक है, नो डाउट 5 के जितने भी मल्टीपल्स हैं इसके साथ मल्टीप्लाई होंगे तो हमें 3600 के मल्टीपल्स मिलते जाएंगे. बट दैट विल अगेन मतलब इंक्रीज द आर. हमें मिनिमम टाइम पे जो है उसको उसका जो रिवॉल्वमेंट देखना है. तो दैट्स व्हाई वी गो विद 1 PM. ठीक है, ये थोड़ा सा मुश्किल है कि आपने पहले ये देखा कि 72 का कौन सा मल्टीपल आपको 3600 दे सकता है, 50th मल्टीपल, क्योंकि हमें आर्स के अकॉर्डिंगली देखना है. हाँ, वन पर चाहे सारे रहे हो, हमें ये देखना है कि सबसे स्टार्टिंग पहली बार में
कौन सा टाइम है जिसमें वो इकट्ठे रिंग करेंगे। वैसे तो बीच में बहुत सारे टाइम आ रहा है, 72 सेकंड, उसके बाद फिर से सेकंड 2 सेकंड, फिर 72 सेकंड, पर हमने अपने क्वेश्चन के ऑप्शन के अकॉर्डिंगली चल, ठीक है। केशव रिकी कह रहे हैं आंसर तो सारे बन सकते हैं, बन सकते हैं, क्योंकि आप और मल्टीपल लेते जाओगे, 50 के जितने भी मल्टीपल लोगे वो 3600 के मल्टीपल लेते जाएंगे और इससे हमारे आवर्स बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो लीस्ट टाइम व्हेन दे विल रिंग, दैट विल बी 1 PM अकॉर्डिंग टू दीज ऑप्शंस ऑफ दिस क्वेश्चन। मैंने आपको पहले ही बोला इट विल मैटर अ लॉट दैट व्हाट आर द ऑप्शंस ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, मैक्सिमम वाला कॉन्सेप्ट इसमें होता ही नहीं है, एलसीएम में हमने ये नहीं करता। व्हेन दे मीट अगेन दैट इज रिलेटेड विद टू द एलसीएम, ठीक है। तो ये चीज आपने याद रखनी है, वी विल डू द कैलकुलेशंस, वी विल मूव अपॉन अकॉर्डिंग टू द एमसी ऑप्शंस ऑफ द क्वेश्चन। समटाइम आपके पास डेसिमल एक्सपेंशन होती है, आपका उसका आंसर हो सकता है उसमें किसी क्वेश्चन का आंसर है, जैसे कि हमने माइनर सेगमेंट मेजर सेगमेंट के एरियाज करे थे, उन क्वेश्चंस के आंसर में मान लो आपका आंसर 150/7 आ गया, उसने डेसिमल में लिखा है, फ्रैक्शन में लिखा है, डिपेंड्स अपॉन द ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन में हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी चलेंगे। फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 72 विच गिव्स अस 3600 सेकंड, क्योंकि हमने आर को आगे लेके जाना था, तो दैट इज 50th मल्टीपल विच इज गिविंग अस 3600 सेकंड। 3600 सेकंड मींस 1 आवर, तो 12 बजे के बाद 1 आवर का टाइम अगर हम आगे शिफ्ट करें इट विल बी 1 PM, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, द हॉर्सेस रन, 3 horses क्वेश्चन नंबर 7, द 3 horses दे रन अराउंड ए सर्कुलर पार्क हूज सर्कमफ्रेंस इज 1760 meters, सर्कमफ्रेंस ऑफ द पार्क इज 1760 meters, एट द रेट ऑफ 440 minutes, 352 minutes and then 264. At what time they will meet again? बच्चे देखो, सबसे पहले आपको डिस्टेंस कवर देखना पड़ेगा कि हॉर्स जो है वो एक राउंड में हर एक हॉर्स कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल डिस्टेंस को इसके साथ डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। डिवाइड करके देखो सभी को कितना आंसर आ रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल फाइंड द डिस्टेंसेस दिस स्पीड के साथ, दिस एट द रेट मींस इस स्पीड के साथ हॉर्सेस दे आर रनिंग अराउंड द फील्ड, दिस इज द डिस्टेंस, दिस इज द स्पीड, और हम कहते हैं कि कितने टाइम के बाद वो मीट करेंगे, तो क्वेश्चन इज अराउंड द टाइम। सो हमें सबसे पहले तीनों का क्या निकालना है, टाइम। फर्स्ट हॉर्स का टाइम 1760/440, दिस विल बी 7, सेकेंड हॉर्स 352 एंड आई थिंक दिस विल बी, सॉरी 4, 3 पे जाएगा, 5 पे, ठीक है, एंड T3 1760/26, 260, सॉरी दिस इज 264 आई थिंक, 264, ये कट नहीं रहा ना, कुछ गड़बड़ है, मुझे लगता है यहाँ पे 260 होगा, एक मिनट देखते हैं, फिर नहीं 6 पे चला जाएगा, नहीं 6 पे नहीं जा रहा, नहीं जा रहा, हाँ नहीं, मुझे लगता फिर एक मिनट ऑप्शंस देखते हैं हम, ऑप्शंस हमारे पास हैं, तो मैंने डिजिट लिखने में गलती की है लगता है, 264 अभी मेरे पास है अभी नहीं बुक, चलो देखते हैं। ऑप्शंस आर 22 मिनट्स, सेकंड इज 20 मिनट्स, थर्ड इज 17 मिनट्स एंड द फोर्थ इज 18 मिनट्स। ये है सर्कमफ्रेंस और इस स्पीड के साथ हॉर्सेस रन कर रहे हैं मीटर पर सेकंड में, ठीक है। तो आपने इसका निकालना है, आप देखो जरा कौन, यहाँ पे कोई डिजिट हमारा गलत गया,
260 से नहीं हो रहा, 76 कोई डिजिट यहाँ पे गलत पड़ गया है, जस्ट दिस मीटर एंड दिस मीटर पर, जस्ट अ मिनट, आई विल जस्ट टेल यू दैट व्हाट इज द नंबर एक्चुअली, जस्ट वेट, छोड़ दो इसको दो मिनट के लिए, अगला क्वेश्चन करते हैं. शायद मेरे पास अभी एक मिनट, जस्ट ए मिनट वेट. अगर हम 264 में इसको डिवाइड करें, रहने दो मैं बाद में ऐसे कंफ्यूज नहीं होना. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल नंबर, सेकेंड 0.5, अभी इसको खत्म करेंगे हम 20 सेकंड, एंड देन 0.10001, एंड डी इज 1.5, विच इज द इरेशनल नंबर, सी ऑप्शन, बिकॉज़ इट्स नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल. नेक्स्ट, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रैशनल नंबर, नेक्स्ट the decimal expansion of the rational number is will terminate after how many places? नीचे जितनी zeros होंगी देखो, दो zeros तो already है, maximum तीन zero बना सकते हैं, नीचे तीन, ये 2 square 5 square इससे मिल गया, इसी 100 आ जाएगा आपके पास. अच्छा, एक 2 उसके साथ हमने 5 divide कर दिया, 5 multiply कर दिया, 3 zeros तो कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद? 3 डेसिमल प्लेसेस. नेक्स्ट इज इजी, एचसीएफ दिया हुआ है, प्रोडक्ट की एलसीएम आप निकाल सकते हो. टू पॉजिटिव इंटीजर्स हैव देयर एचसीएफ एज वेल. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, एंड देयर प्रोडक्ट इज 6, 3, 6. Find their LCM. चलो we'll do. अब we'll continue tomorrow. ऐसे समझ नहीं आएगा जल्दी जल्दी में, कोई बात नहीं, कल करेंगे इसको. We'll continue tomorrow.